Assalamu alaikum everyone, welcome to Vocabgram, daily vocabulary word is subterfuge. It was a request by Akash Malik and Akash, here's your lesson. Subterfuge means a tricky action to get something. देखिए, अगर कोई इंसान कोई चीज़ हासिल करने के लिए अगर किसी किस्म का कोई ट्रिकी एक्शन यूज़ करता है, कोई चाल चलता है या कोई मैनिपुलेशन करता है या कोई डिसीटफुल एक्शन करता है, किसी को धोखा देता है, तो वो जो ट्रिकी एक्शन उसने किया है कोई चीज़ हासिल करने के लिए, वो जो उसने चाल चली है या जो उसने ट्रिक लगाया है या कोई भी उसने धोखा दिया है किसी दूसरे इंसान को, तो इसको आप सब्टरफ्यूज कहेंगे। देखिए, इसको एग्जांपल से इस तरह से समझें, एक छोटी सी एग्जांपल ले लें, जैसे कि अगर आपको अपने फादर से पैसे चाहिए और पैसे आपको चाहिए अपने दोस्तों के साथ, या तो सिनेमा देखना है आपने या अपने बाहर घूमना फिरना है, ठीक है, लेकिन आप अपने फादर को ये नहीं बता सकते कि भाई आपको दोस्तों के साथ तो घूमने फिरने के लिए पैसे चाहिए, लेकिन आपको फादर से पैसे भी निकलवाने हैं, तो उसके लिए अगर आप कोई झूठी सी मन घड़त सी कोई कहानी बनाकर अपने फादर को सुनाते हैं कि जिसकी वजह से वो आपको पैसे दे दें कि भाई मुझे कोचिंग के लिए पैसे चाहिए या मुझे जो है ना फलां की मदद करनी है उसके लिए पैसे चाहिए, कोई भी ऐसी झूठी कहानी बनाकर अगर अपने फादर को आप सुनाते हैं और उसके थ्रू आप अपने फादर से पैसे निकलवा लेते हैं, तो ये जो आपने झूठी कहानी सुनाई है ना उनको, ये सब्टरफ्यूज है, ठीक है। इसी तरह से पेरेंट्स भी यूज़ करते हैं, जैसे पेरेंट्स हमें समटाइम्स हमसे बात मनवाने के लिए अपनी वो जो एक पेरेंट होने की वो जो एक इमोशनल ब्लैकमेलिंग करते हैं कि हम पेरेंट्स हैं और तुम लोग हमारी बात नहीं मानते हो, तुम लोग बेअदब हो, ये और वो, इस तरह की जो बातें करके अगर वो आपको इमोशनली ब्लैकमेल करके आपसे अपनी भी बात मनवा ले, तो इसका मतलब कि आपके पेरेंट्स ने भी आपके ऊपर जो ना वो सब्टरफ्यूज जो है वो उसको यूज़ किया है, ठीक है। तो कोई भी ट्रिकी एक्शन जो कि दूसरे से अपनी कोई बात मनवाने के लिए या कोई अपनी इंफॉर्मेशन निकलवाने या कोई भी जो आप बात चाहते हैं उस चीज़ को करवाने के लिए, अगर आप कोई ट्रिकी एक्शन, कोई चाल या कोई स्कीम या कोई भी इस तरह का धोखा या कोई भी जो है ना मैनिपुलेशन अगर आप यूज़ करते हैं, तो उसके लिए आप ये वर्ड सब्टरफ्यूज जो है इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको सब्टरफ्यूज का मतलब समझ में आ गया होगा। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। अ फर्स्ट एग्जाम्पल इज द जर्नलिस्ट यूज सब्टरफ्यूज टू गेन सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, कि जो जर्नलिस्ट था उसको कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, तो उसके लिए उसने कोई चाल चली, उसने चाल का यूज़ किया, उसने कोई ट्रिकी जो है ट्रिक लगाया जिसके थ्रू उसने वो जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन थी उसको बाहर निकलवाया, ठीक है। अ सेकेंड एग्जाम्पल इज बींग इल वॉज हर सब्टरफ्यूज, कि बीमार होना जो था ना वो उसकी एक चाल थी, उसने बीमार होने को कोई ढोंग रचाया जिसकी वजह से उसने अपना कोई मकसद जो है ना वो हासिल किया, तो वो एक्चुअल में बीमार नहीं थी, बीमार जो थी ना, बीमार होना जो था ना वो उसका सब्टरफ्यूज था, वो उसकी चाल थी, ठीक है। अब थर्ड एग्जांपल इज इट मस्ट बी हिज सब्टरफ्यूज, आई डोंट ट्रस्ट हिम, कि ये उसकी कोई चाल हो सकती है, उसका कोई ट्रिक हो सकता है, उसका कोई धोखा हो सकता है, एंड आई डोंट ट्रस्ट हिम, और मैं उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता हूँ या करती हूँ, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, हमारा लेसन यहाँ पे खत्म होता है। आई होप कि आपको ये लेसन अच्छा लग रहा है। अगर आपको मेरे लेसन अच्छे लगते हैं तो काइंडली मेरे लेसन को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जो भी लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं, ठीक है। एंड आई सी यू नेक्स्ट लेसन। अल्लाह हाफिज़।